आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बहाया। सभी टीमों ने अपनी मजबूत स्क्वाड बनाने की कोशिश की, जिससे वो इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। इस सीजन में अभी तक कुछ ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी ने बड़ी कीमत के साथ अपने साथ जोड़ा। उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी देखने को मिले जो भारी कीमत पर तो बिके लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे और अब उन पर पैसा खर्च करके पछता रही है वो फ्रेंचाइजी। आइए जानते हैं एक एक करके उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जहां पर पछता रही है फ्रेंचाइजीज। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं आईपीएल 2022 के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। वैसे इस बार का आईपीएल थोड़ा उलटफेर का आईपीएल है, जो चैंपियन टीम है सबसे ज्यादा उसका जो है प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा खराब रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो नई टीमें आ रही हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। जी, आईपीएल में आधे से भी ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां हम ये एनालिसिस तो कर सकते हैं कि आखिर वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जिन पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए गए लेकिन अब उन्हें फ्रेंचाइजीज खरीद कर पछता रही है। हमारे इस लिस्ट में 5वें पायदान पर नाम टिम डेविड का आता है। टिम डेविड दुनिया भर की T20 लीग में खेलते हैं और वहां पर उन्होंने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। वो बड़ी बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें 8.25 करोड़ की बड़ी कीमत के साथ अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि उन्होंने मुंबई को निराश किया, उन्होंने सीजन में 3 मैच ही खेले हैं और 100 की स्ट्राइक रेट से मात्र 14 रन बनाए हैं। टिम डेविड के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर तो किया ही गया, लेकिन कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस की हालात भी खराब दिखाई दे रही है। टिम डेविड के इस प्रदर्शन से ये तो कहा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम उन पर 8.25 करोड़ की राशि खर्च करके पछता रही है। हमारे इस लिस्ट में 4वें पायदान पर नाम रोमारियो सेफर्ड का आता है। वेस्ट इंडीज के इस ऑलराउंडर दिग्गज खिलाड़ी ने सनराइजर हैदराबाद की टीम ने 7.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि दोनों ही विभागों में उनका टीम में निराशी प्रदर्शन रहा है। सेफर्ड को हैदराबाद ने केवल 2 ही मैच खिलाए हैं। इन्होंने इस मैच में 123.08 की स्ट्राइक रेट से मदद से केवल 32 रन बनाए। वहीं दोनों मैचों में मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए 9.38 के खराब इकोनॉमी रेट से 3 विकेट चटकाए हैं। इनके लिए ये भी कह सकते हैं कि इन्हें पर्याप्त मौके भी नहीं मिल रहे हैं। हमारे इस लिस्ट में 3रे पायदान पर नाम भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर का आता है। शार्दुल ठाकुर पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा थे। वहीं 2022 की मेगा नीलामी में उन्हें दिल्ली कैपिटल ने 10.75 करोड़ की भारी भरकम राशि में अपने साथ जोड़ लिया था। हालांकि जिस प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की गई थी वो उस तरह का प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। उन्होंने सीजन में 7 मैच खेले हैं और जिसमें सिर्फ 4 विकेट हासिल किए हैं और वो भी खराब इकोनॉमी 9.60 की इकोनॉमी रेट से। वहीं बल्लेबाजी करते हुए मात्र 80 रन बनाए हैं, जहां वो मैच को सही से फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इस लिस्ट में 2रे पायदान पर नाम शाहरुख खान का आता है। ये बॉलीवुड के शाहरुख खान नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के शाहरुख खान। जी हाँ, 9 करोड़ की बड़ी कीमत में दोबारा अपनी टीम में पंजाब किंग्स ने शामिल किया। टीम में उन्हें इतनी बड़ी रकम के लिए इसलिए खरीदा गया क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। हालांकि वो आईपीएल 2022 में अपनी घरेलू क्रिकेट की फॉर्म को बरकरार नहीं रख सके, वो इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उन्होंने सीजन में अभी तक 7 मैचों में 100 के स्ट्राइक रेट से मात्र 98 रन बनाए हैं। लेकिन हमारे इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम ऐसे खिलाड़ी का आता है जिन्हें खरीद कर तो फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा पछता रही है। ईशान किशन मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज को 15.25 करोड़ रुपए की राशि देकर दोबारा मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ का था, वो आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे। मुंबई ने जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की थी उसकी झलक उन्होंने शुरुआती 2 मैचों में अर्धशतक जड़ते हुए दिखा दी थी। हालांकि अगले मैचों में वो रन बनाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने सीजन में अभी तक 7 मैच खेले हैं और 116.46 की स्ट्राइक रेट की मदद से 191 रन बनाए हैं। चेन्नई के खिलाफ खेले गए अपने पिछले मैच में वो खाता भी नहीं खोल पा रही है, तो कहीं न कहीं ईशान किशन की लगातार फ्लॉप प्रदर्शन से यही कहा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम इतनी बड़ी राशि देकर उन्हें पछता रही है और अब वो प्रदर्शन करे भी तो क्या मुंबई तो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं इन 5 खिलाड़ियों के बारे में, क्या ये लिस्ट सही थी? ये तो हमारी नजर में 5 खिलाड़ी थे, लेकिन आपकी नजर में कौन सी टीम बनेगी चैंपियन कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।